हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही, साथ ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर हम हमारी लाइफ में जो प्रोसेस होती हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10th साइंस लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट इज एक्सक्रिएशन। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन के बारे में। तो एक एक से हम सब के बारे में देखेंगे। पहले इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, यानी कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मूवमेंट करने वाली चीज़ लिविंग होगी, लेकिन जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब मूवमेंट करेंगी। जैसे कि रोड पर दौड़ती हुई गाड़ी, मूवमेंट हो रहा है उसमें, लेकिन वो नॉन लिविंग है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मूवमेंट करती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स को मूवमेंट करने के लिए किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सम मूवमेंट्स आर इजीली विजुअल लाइक द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, कुछ मूवमेंट हम आसानी से देख सकते हैं जैसे अपनी बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट। बट सम मूवमेंट आर नॉट इजीली विजुअल लाइक मॉलिकुलर मूवमेंट, लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से नहीं देख सकते, जैसे कि मॉलिकुलर मूवमेंट जो कि सेल्स और टिशू के अंदर होते हैं, और ये सभी लाइफ प्रोसेस के लिए अति आवश्यक मूवमेंट हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग्स, मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर, लाइट, टेम्परेचर विद इन सर्टेन लिमिट एंड एयर, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, लाइट की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक सर्टेन लिमिट के टेम्परेचर के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। अगर उस लिमिट से कम या ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उन्हें उनसे नुकसान होता है। और इसके अलावा एयर की ज़रूरत। लिविंग थिंग्स हैव अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट आर डिस्प्ले टू डिफरेंट डिग्रीज, दे रेस्पायर, मूव, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो एंड आर डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं, मूव करती हैं, किसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी और ग्रो करेंगी, और वो अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहती हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक को लर्न करने की। मिस्टर एच ग्रेन, एम फॉर मूवमेंट यानी मूवमेंट होगा उनमें, आर फॉर रिप्रोडक्शन, एस फॉर सेंसिविटी, एच फॉर होमियोस्टेसिस, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रेस्पिरेशन एंड ई फॉर एक्सक्रेशन एंड एन फॉर न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, लिविंग थिंग्स में। अब देखते हैं हम लाइफ प्रोसेस क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। बेसिक लाइफ प्रोसेस 4 हैं। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रेशन। अब इनकी एक एक से सबकी डेफिनेशन देखते हैं किसमें क्या होता है। वैसे तो आप लोग नाम पढ़ के ही समझ गए होंगे किसमें क्या होता है। फर्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म
and its utilization by the body for their whole life process. Nutrition एक process है जिसके through organism food लेता है और उसका utilize करता है body को maintain करने के लिए और बहुत सारी process करने के लिए, यानी body maintain करना, repair करना, disease हो गया तो उससे बचाना, ग्रोथ करना, इन सब चीज़ों में हमें किसकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी किससे मिलती है, फूड से, और फूड को लेने की प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। सेकेंड इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाई विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। न्यूट्रिशन में हमने जो फूड लिया है अब उससे एनर्जी कैसे बनेगी, तो वो बनती है रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कन्वर्ट कर देता है फूड को एनर्जी में, जिसको बॉडी यूज करती है अपनी दूसरी प्रोसेस को करने के लिए। थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड, ऑक्सीजन, वाटर और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। एंड लास्ट इज एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो हार्मफुल प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनको रिमूव किया जाता है। इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा एक पॉइजन की तरह वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। पार्ट वन, न्यूट्रिशन। अब हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को लेते हैं, खाना खाते हैं, और फिर उससे जो एनर्जी बनती है उसका यूज कहाँ करते हैं, बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रोथ करने में बॉडी पार्ट्स के, और जो डैमेज्ड पार्ट हैं उनको रिपेयर करने में। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन वेस्ट मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन वेस्ट मॉलिक्यूल। द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। अर्थ पर जो लाइफ है वो कार्बन वेस्ट मॉलिक्यूल पर डिपेंड्स है, और जो हम भोजन लेते हैं वो भी अधिकतर कार्बन वेस्ट मॉलिक्यूल से बना होता है। आउटसाइड रॉ मटेरियल जो हम यूज करते हैं उनमें फूड, वाटर और एयर आते हैं। इन तीन चीज़ों को हम आउटसाइड मतलब बाहर से लेते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ये ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसके एग्जांपल हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम ग्रीन ब्लू बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एनिमल्स, फंगाई और कुछ बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दे आर सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजॉइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं और वो उनको बॉडी के आउटसाइड ही ब्रेक डाउन करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं फिर उनसे न्यूट्रिशन को। इसके एग्जांपल हैं मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, सम बैक्टीरिया। सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन,
Parasitic nutrition is the nutrition in which organism get their food from living organism host without killing them. जैसा कि हमने देखा saprophytic nutrition किससे dead और decaying organism से भोजन ले रहे हैं, लेकिन जो parasitic nutrition है वो दूसरे organism से भोजन प्राप्त करेगा लेकिन उसको बिना kill किए, उसको मारेगा नहीं, वो host पर रहेगा वहाँ attach और उससे nutrition लेता रहेगा, जैसे कि कुस्कुटा, ऑर्चिड, टिच, लीच, लीच राउंडवॉर्म, टैपवॉर्म, प्लाज्मोडियम। जैसे कि प्लाज्मोडियम कहाँ पाया जाता है, ह्यूमंस के एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और उसके ब्लड से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। जैसे कि लीच हो गए, लाइस हो गए, चूहे, गोंच, ये सब एनिमल्स के बालों में रहते हैं और उसके ब्लड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो उनको पूरी तरह से किल नहीं करते। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दी न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिश एंड ह्यूमंस। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड को डायरेक्टली लेते हैं, उनको खाएंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे बॉडी के अंदर और फिर एब्जॉर्ब करेंगे। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल प्लांट को खाते हैं, प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिज्म, केवल प्लांट को खाएंगे, जैसे कि गॉट, डियर। कार्निवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ओनली अदर एनिमल्स को खाएंगे, ये प्लांट को बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, जैसे कि लायन, टाइगर, ईटीसी। ओमनिवोरस ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और ह्यूमन दोनों को खाते हैं, जैसे कि कौआ, ह्यूमंस। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। तो प्लांट में कौन सा मोड होता है न्यूट्रिशन का, है ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं और जिस प्रोसेस से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करते हैं जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज, ये कि ये कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन थ्री मेन स्टेप्स, दे आर फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा क्लोरोफिल के द्वारा, फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाएगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा हाइड्रोजन के द्वारा और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होंगे। यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं सनलाइट सन से मिलती है, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये रॉ मटेरियल हो गए फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल प्लांट्स की लीफ पे प्रेजेंट रहता है, फिर इन सब का यूज करके, वाटर कहाँ से आता है, रूट्स के थ्रू वाटर आ जाता है नीचे से, इन सब का यूज करके कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर होता है ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में लीप्स में स्टोर हो जाता है और ऑक्सीजन गैस इसमें रिमूव होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स की लीफ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, तो अब हम देखते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन लीव्स, इफ़ वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप वी कैन सी सेल्स कंटेनिंग ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो पत्तियों में पाया जाता है, अगर हम किसी पत्ती को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें इस तरह से ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और जब इनको भी जूम करके देखेंगे तो इनके अंदर जो इस तरह से दिख रहे हैं धागे टाइप के, इनको बोलते हैं, जो ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है।
स्टोमेटा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है लीव्स का। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पे जो एक्सचेंज करते हैं गैस का, यानी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। यहाँ पे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना है, ये क्लोज स्टोमेटा है। जब तक ये क्लोज रहेगा इससे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, ना ही वाटर का एक्सचेंज होगा। और जिस तरह से जैसे ही इनमें जो इनको बोलते हैं गार्ड सेल, जो ग्रीन कलर की दिख रही हैं, तो जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ से जो बीच में पोर दिख रहा है वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ से वाटर का वेपराइजेशन भी होता है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक मोड्स को यूज करते हैं, यानी कि अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में रहता है। इट टेक फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है इस तरह से, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स नकली, फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, यानी कि नकली पैर। ये नकली पैर निकालेगा इस तरह से वायर को और यहाँ पर फिर फूड को चारों तरफ से घेर लेगा ऐसे। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। उसके बाद फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा और उसके बाद एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये फूड पार्टिकल्स है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है फूड पार्टिकल है। तो यहाँ से फॉल्स फूड यानी स्यूडोपोडिया रिलीज किया है इसने और फूड पार्टिकल्स को चारों तरफ से इस तरह से घेर लिया, और जो बीच में वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। इसके अंदर फूड का डाइजेशन होगा और डाइजेस्ट होने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे इजेक्ट कर दिया जाएगा बॉडी से। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो आप देखेंगे हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, यानी कि हम लोग कैसे फूड को लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से डाइजेस्ट होता है, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द एनिमेलिट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन फूड इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो ह्यूमन के अंदर जो फूड है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा लिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस एंड कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे लीवर, पैनक्रियाज, तो ये सब पाया जाता है। इसको फूड को लेते हैं, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, फिर अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, देन एब्जॉर्ब होगा, फिर ब्लड में मिक्स होकर सभी सेल्स में पहुँचाया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। द मेन ग्लैंड्स आर सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन ग्लैंड। अब हम हर पार्ट में देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में क्या होता है। इन दी माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विद द सलाइवा फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स। सलाइवा कंटेन द एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, देन द फूड पासेज थ्रू द ओसोफेगस इनटू द स्टोमक। सबसे पहले तो हम माउथ के थ्रू भोजन को लेंगे और जो हमारे दांत हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे और सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा जो उसको अच्छे से मिक्स करेगा, और सैलिवरी सलाइवा में पाया जाता है सैलिवरी अमाइलेस एक एंजाइम है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा, यानी स्टार्च का डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाएगा। उसके बाद फूड को ओसोफेगस के थ्रू, ये वाला पार्ट दिख रहा है फूड पाइप होता है उसको बोलते हैं ओसोफेगस, इसके थ्रू स्टोमक में भेज दिया जाएगा। माउथ से ओसोफेगस के थ्रू जो स्टोमक में जिस मोशन के थ्रू आता है उसको बोलते हैं पेरिस्टलाइसिस मोशन। इन स्टोमक, अब देखेंगे हम स्टोमक में क्या होगा।
The gastric gland provide gastric juice which contain the enzyme pepsin, hydrochloric acid and mucus. स्टोमक में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं जिसके अंदर पाया जाता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना यानी प्रोटीन का डाइजेशन करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिटिक एंड हेल्प इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मीडियम को एसिटिक बनाता है और पेप्सिन को एक्टिव करता है। इसके अलावा हमारे खाने के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उनको किल करने का भी काम करता है। और जो म्यूकस है तो HCl है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्टोमक की अंदर वाली लेयर को डैमेज कर सकता है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस। देन दी फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद फूड को कहाँ भेज दिया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन दी अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है ये दिख रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट है नीचे वाला ये वाला हिस्सा ऊपर का ये कहलाता है अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको क्या बोलते हैं, डोडेनम। द फूड इज मिक्स्ड विद बाइल जूस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा, लीवर से यहाँ से बाइल जूस आएगा और पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस आएगा, दोनों डोडेनम में आके फूड में मिक्स हो जाएंगे। बाइल ब्रेक्स डाउन दी फैट इंटू स्मॉलर ग्लूकोज, बाइल जूस में बाइल क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड लाइपेज ब्रेक डाउन फैट। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है और लाइपेज फैट का ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर देखो आपने कुछ एंजाइम पढ़े हैं, जैसे सिलाइवरी एमाइलेज पाया गया था कहाँ, सिलाइवा में, तो उसने किसका डाइजेशन किया था, स्टार्च का। और स्टोमक में पेप्सिन था तो उसने किसका डाइजेशन किया था, प्रोटीन का। अब डोडेनम में यहाँ पे बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस आए तो इसमें कुछ एंजाइम पाए गए इंपोर्टेंट, तो इसमें क्या क्या, बाइल किसको ब्रेक, बाइल जूस से किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, फैट्स का। बाइल जूस किसको ब्रेक कर रहा है, फैट्स को। और उसके अलावा जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज दो एंजाइम पाए जा रहे हैं, तो ट्रिप्सिन से ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोटीन और लाइपेज से क्या हो रहा है, फैट। इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, डोडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ऊपर वाला, वहाँ से फिर फूड कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट्स में। और यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है और वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इनको बोलते हैं विलाई। इट हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, देखो यहाँ फिगर में कुछ इस तरह की, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें इस तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे दोनों तरफ, मतलब अंदर की तरफ पाइप के अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो इनसे क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। जब एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी, तो इन ब्लाई के द्वारा क्या किया जाता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बॉडी के सभी पार्ट्स में भेज दिया जाता है ब्लड में मिक्स करके। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, फिर यहाँ के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू एनस, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ जो वाटर बचा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनस के थ्रू बाहर भेज दिया जाएगा। यहाँ पे हम पूरे एक बार और एक समरी के फॉर्म में देखते हैं कि हमने ह्यूमन के अंदर डाइजेशन को किस तरह से देखा, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम को एक बार और अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, माउथ से यहाँ से हमने खाने को लिया, फूड इंटर हुआ और टीथ का काम क्या है, ग्राइंड करना फूड को, या ग्राइंडर वर्क करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, पीस देंगे। उसके बाद
सिलेवरी ग्लैंड से सिलाइवा निकलेगा और फूड में मिक्स हो जाएगा, उस समय फूड को बोलते हैं बोलस। यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है सिलेवरी अमाइलेस, जो किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का। उसके बाद ओइसोफेगस, यानी कि फूड पाइप से कहाँ भेज दिया जाएगा, स्टोमक में। कौन सा मोशन बोलते थे इसको, पेरिस्टलेसिस मोशन। जो फूड पाइप की लेंथ होती है वो अबाउट 25 सेंटीमीटर होती है, और इसके साथ में जो विंड पाइप होता है जो विंड को लंग्स में लेके जाता है, वो इसका जस्ट हाफ होता है, 12.5 सेंटीमीटर। और जैसे ही फूड स्टोमक में आएगा, स्टोमक में यहाँ पे अबाउट 4 आवर्स, 4 घंटे के आसपास रहता है। स्टोमक में क्या क्या देखा था, म्यूकस, HCl, रेनिन और पेप्सिन। म्यूकस का काम क्या था, HCl से प्रोटेक्ट करना इसकी इनर लेयर को, HCl का काम पेप्सिन को एक्टिव करना, और जो बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं भोजन के साथ उसको किल करना। पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और रेनिन वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है चाइल्ड के अंदर, बच्चों के अंदर। फिर इसके बाद फूड यहाँ से आ जाएगा डोडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट। यहाँ पे लीवर से एक बाइल जूस निकलता है बाइल डक्ट के थ्रू, पैनक्रियाटिक में आके पैनक्रियाटिक डक्ट में मिल जाता है, और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस दोनों आके यहाँ डोडेनम में मिल जाते हैं। तो बाइल जूस है वो फैट्स को कन्वर्ट कर डाइजेस्ट करता है, और पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, एमाइलेस और लाइपेस, तीन चीज़ें पाई जाती हैं। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, एमाइलेस कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेस फैट को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जो बाकी बचे हुए भोजन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहीं पे ब्लाई टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड को, और अनडाइजेस्टेड फूड को भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को NS के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया अच्छे से। और ये समरी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो अब पिछले टॉपिक्स में पढ़े हैं, जैसे कि सिलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है सिलाइवा, जो किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का। किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस कहाँ निकलता है, स्टोमक में। इसमें पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में। HCl पता ही है क्या काम था HCl का, लीवर से बाइल जूस निकलता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस के उसको कन्वर्ट करता है, फैट्स का एमल्सिफिकेशन करता है, और पैनक्रियाटिक जूस में एमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस, तीन एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेस स्टार्च को यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और लाइपेस फैट्स का डाइजेशन करता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो बचे कुचे फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी टंग के किस पोर्शन से हमें किस टेस्ट का पता चलता है। तो हमारी टंग का जो आगे का हिस्सा है, वहाँ से हमें स्वीट यानी मीठे का पता चलता है। जो पीछे का हिस्सा है, उससे कड़वाहट का पता चलता है। और जो साइड वाले हिस्से हैं, इनसे खट्टे होने का पता चलता है। और मीठे और खट्टे के बीच में जो पोर्शन है, उससे सॉल्टी यानी कि नमकीन का पता चलता है। पार्ट 2, रेस्पिरेशन, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।